नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी हां दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट या सबसे पहले देखने को मिलती है। और रीड है जो लोकसभा चुनाव से पहले भर्तियां बिल्कुल सही देख पा रहे हैं, और बोर्ड ने एक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। जी हां साथियों, सरकारी नौकरी की तैयारी करिए युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, और रीड को लेकर बहुत ही खुशखबरी है। रीड को लेकर लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार है जो अब खत्म होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, लास्ट तक देखें ताकि आपको भर्ती को लेकर जो बड़ी अपडेट निकल कर आई उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही भर्तियों से जुड़ी खबरें सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं क्या पूरी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि राजस्थान में एक और बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जूनियर इंस्ट्रक्टर के पद है जो निकली है, ये 679 पदों पर वैकेंसी निकली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर इंस्ट्रक्टर यानी कनिष्ठ अनुदेशक के 679 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन है 7 मार्च से भरे जाएंगे। ये इस भर्ती की ऑफिशियल साइट है, इस साइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि की बात करें तो 5 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, तो बिना देरी के इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। वहीं रीट की बात करें तो रीट है जो लगभग 35,000 प्लस पदों पर की जाएगी। ये 70,000 पदों पर घोषणा की थी, और इसमें दोस्तों देखिए करीबन बात करें तो 50,000 के करीबन शिक्षा विभाग में ये पदों पर भर्तियां हैं। तो जल्द ही अपने को 35,000 पदों पर नई रीट देखने को मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों देखिए, सरकार अगर मामला सुलझाने की पहल करे तो थर्ड ग्रेड शिक्षक के पद से वरिष्ठ अध्यापक पद पदोन्नति हो सकेगी। उससे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 30,000 पद है जो खाली हो जाएंगे, और इन पदों पर नई भर्ती की राह खुल सकेगी। जी हाँ साथियों, देखिए 30,000 प्लस पदों पर ये भर्तियां देखने को मिल सकती है। तो जानकारी चलेगी, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही भर्ती से जुड़ी खबरें इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलती है। जय हिंद जय भारत।